प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम कुछ करते हो या नहीं करते हो, या तुम कुछ करते हो तो उसका नियम ना बनाओ। प्रॉब्लम है रिजिडिटी की, प्रॉब्लम है फ्लेक्सिबल ना होने की। और एक समय पर इंसान को महसूस होता है शायद वो दूसरों के साथ फ्लेक्सिबल नहीं है, पर एक समय ये नेचर ऐसा बन जाएगा जो तुम ही डिप्रेशन के पेशेंट बन जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी होना लाइफ में बहुत ज़रूरी वाली बात है। जिन लोगों का भी एक रिजिडिटी का नेचर होता है, एक तो उनका सर्वत्र प्रेम नहीं हो सकता है, और दूसरा वो अपने आगे बीमार होने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग में एक बात फिट हो गई। जैसे देखते हो कई बच्चे स्कूल में फर्स्ट आते हैं, अब छोटे होते हैं, माएँ पढ़ा लेती हैं, मेहनत कर लेती हैं, टीचर भी नंबर दे देता है, फर्स्ट आने की आदत हो गई। पर उस बच्चे को अगर कम नंबरों की आदत नहीं है, सेकंड आने की आदत नहीं है, एक क्लास के बाद वो बच्चा वीक पढ़ना शुरू हो जाता है। या तो वो बहुत गुस्सैल बन जाता है, या फिर वो बहुत सेंसिटिव बन जाता है, और उसके अपने जीवन में ही नुकसान शुरू हो जाते हैं। आदत डाल दी, लाड़ करते हो बच्चों को, हर इच्छा पूरी करनी है। अब उसको आदत होनी चाहिए कि कोई इच्छा मेरी नहीं भी पूरी हो सकती है, तो फ्लेक्सिबल बनेगा वो। लेकिन जब आप ऐसी आदत बना देते हो, फिर वो धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जहाँ वो ये भी नहीं समझ पाता समय या पेरेंट्स के पास सामर्थ्य है नहीं है। तो ये एक बीमारी का रूप बनती जाती है ना, चीज़ें दिमाग में बैठ गई। अभी एक मेडिसिन हम खाते हैं, कई लोगों को देखो, सपोज गोली एक दिन नहीं है, सालों से खा रहे हो, एक दिन में क्या नुकसान कर देगी, पर वो दिमाग में चलता रहता है, आज मैंने गोली नहीं खाई, आज मैंने गोली नहीं खाई। फिर उसके इफ़ेक्ट लगने लगते हैं, क्योंकि मैंने गोली नहीं खाई मेरे को ऐसा हो रहा है, क्योंकि आज मैंने गोली नहीं खाई मेरे को ऐसा हो रहा है। तो चीज़ें तो ये वाली गलत हैं। नियम तो बनाना अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि जो काम हम नियम से करते हैं उसमें हम सफल होते हैं। और सब कोई जानता है कि हमारा नियम है एक। हमको लगता है कभी कभी कोई किसी बात के लिए हमको कह रहा है कि अच्छा आज तुम अपना ये वाला नियम ना करके ये काम कर दो, तो अगला भी 100 बार सोच के ही बोलता है, लेकिन मजबूरी होगी। तो एक दिन अगर हम मुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे तुम टाइम चेंज कर लो, चलो तुम्हारा नियम है किसी चीज़ का, तुमने समय बदल लिया, अब तुम्हारे उस समय पर भी किसी को ज़रूरत पड़ सकती है तुम्हारी, तुम्हारी समस्या तो वहीं रहेगी, बल्कि क्रोध बढ़ेगा। देखो तुम्हारे चक्कर में मैंने टाइम बदला, अब तुम इस टाइम पे भी अड़ते हो मेरे साथ, तुम और ज़्यादा दुखी होएंगे और ज़्यादा दुखी करेंगे। तो प्रॉब्लम जो मन की है, इलाज तो उसका करना है ना। बाहर से बदलते जाओ, फिर वही बात है, जूते बदलने से काम नहीं बनेगा, पैर का कांटा निकालो। प्रॉब्लम तो कांटे में, जूते में प्रॉब्लम थोड़ी है। हमारा जो नेचर है, जो हमने ठान लिया वही करना है, जिस समय हमने जो सोच लिया वही ठीक है, किसी के कहने से हम मुड़ नहीं सकते हैं। ये चीज़ें हमारे नेचर में गलत हैं। नियम गलत नहीं है, ये चीज़ें गलत हैं। अब होता है कई बार खाने में भी हम परहेज़ में चलते हैं, पर कभी कोई मजबूरी आन पड़ती है तो ठीक है, एक समय उपवास भी चलेगा, फल खा के भी चलेगा। अच्छा थोड़ा बहुत कभी कभी अपने शौक़ से भी बदपरहेजी कर लेते हैं, आज थोड़ा सा खा लेते हैं, ज़्यादा नहीं खाते, कम खा लेते हैं, इसको फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। और एक व्यक्ति बिल्कुल लापरवाह है, वो चीज़ गलत हो जाती है।
तो जो नेचर में प्रॉब्लम है, अगर उसको समझोगे और उसको ठीक करोगे, वो आपको फायदा देगी। जो बेसिक नेचर में ईगो रहता है, जो बेसिक नेचर में नाम उड़ने का स्वभाव है, जो बेसिक नेचर में किसी की ना सुनने की आदत है, भाई अपनी मर्जी से हो सकता है हम छोड़ भी दें अपना नियम, पर क्योंकि किसी ने कह दिया अब तो बिल्कुल नहीं। क्यों कहा, मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों मानूं, कोई मेरे को क्यों चलाए, ये दिमाग में ये वाली दिक्कतें ज़्यादा हैं। बाहर की चीज़ों से तो कोई विशेष फर्क पड़ता ही नहीं है, आधा घंटा देर से भी कर सकते हो तुम अपना नियम का काम, कोई बड़ी बात नहीं है, एक घंटा देरी से भी कर सकते हैं। हम लोग कई बार देखते हैं वॉक के लिए समझो पार्क तक नहीं जा पा रहे, घर के आगे ही चक्कर काट लो, टाइम देख के वॉक ही तो करनी है, देर हो गई, नहीं जा पा रहे, अंधेरा हो गया, कोई रीज़न हो गया, कोई साथ जाने वाला नहीं है कभी, तो घर के आगे वॉकिंग कर ली, वो तो हम दो घंटे बाद भी कर सकते हैं, खाना खा के भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम उसकी थोड़ा है, वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है। समझो तुम्हें 5 बजे वॉक करने जाना है, किसी ने सेवा बता दी तुम्हें, तो क्या हो गया, सेवा निपटा के तुम 7 बजे घर के आगे वॉक कर लो, जरूरी थोड़ी है पार्क जाना है, अपनी छत पे चढ़ के वॉक कर सकते हो। वो तो अल्टरनेट हमारे पास हर चीज़ के होते हैं, लेकिन परेशानी पता है कहाँ है, जो हमारे नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हम ना स्पेस दे नहीं सकते किसी को, ये दिक्कत ज़्यादा है, किसी को स्पेस देना मुश्किल लगता है। जो हम दे दें खुशी से तो ठीक है, कोई मांग ले स्पेस हमसे तो हम अड़ जाते हैं वहाँ पे, तो हम फंस जाते हैं वहाँ पे। अब गुरु तो रोज़ बहुत उदार दिल होने को कह रहा है, लेकिन हम कितना हो पाते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। गुरु तो कह रहा है तुम किसी के सुख के लिए अपना सुख भी कुर्बान कर दो, पर शायद हमको अपना सुख थोड़ा भी शेयर करना ये भी गवारा नहीं होता। तो इस नेचर के ऊपर अगर वर्किंग करोगे तो अच्छा होगा आपका हिसाब, और अगर आप चीज़ों को बदलते रहोगे, आप अपना हठ नहीं तोड़ना चाह रहे ना, आप कहते हो मैं अपना नियम का समय बदल लेता हूँ, यानी आप अपना हठ नहीं छोड़ना चाह रहे, आप ये सोच रहे हो मैं समय बदली करूँ उसके बाद कोई मेरे से छेड़ाखानी ना करे, ये तो कोई बात ना हुई। फ्लेक्सिबल तो ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी भी होते हैं, किसी किस दिन हम देखते थे भगवान को पूरे दिन आराम का समय ही नहीं मिलता था, खाना उनका लेट होते होते 4-4, 5-5 बज जाती थी, मिलने वाले जाने वाले, कोई अचानक आ गया, अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। तो ज्ञानी कितना फ्लेक्सिबल है, अपने को मोड़ लेता है सबके लिए, सबके लिए अपने आप को चेंज कर लेता है। वो चीज़ अडाप्ट करने की है कि मेरा मन ना अड़े किसी से, मन अड़ जाता है, मैं ये क्यों करूं, किसी के कहने से क्यों करूं, ये प्रॉब्लम्स हैं। एक तो जब गुरु कहता है ना स्वाधीन अंतःकरण, तो आप स्वच्छंदता का अभ्यास कर लेते हो, बड़ी गलत बात है। स्वाधीन अंतःकरण माना अपने अधीन किया हुआ अंतःकरण, और अपने अधीन किए हुए अंतःकरण का मतलब है कि आपको मुड़ने में कभी दिक्कत ही नहीं आए, आपने तो मन अपने वश किया हुआ है, आपको किसी के साथ भी मुड़ने में दिक्कत नहीं, किसी के अकॉर्डिंग चलने में दिक्कत नहीं, आप आराम से चल सकते हो, उसको कहते हैं स्वाधीन अंतःकरण। आप अभ्यास करते हो स्वच्छंदता का, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं नहीं सुनता किसी की, मेरे को जो करना है वो तो करना है, मेरे को जो ठीक लगेगा मैं तो वो करूँगा, स्वच्छंद अंतःकरण हो गया। अब इस स्वच्छंदता में आप किसी की सुन नहीं सकते, आपको गुस्सा आएगा, आप चिल्लाओगे, आपका मूड खराब होगा,
क्योंकि आपने सोचा मैं स्वच्छंद अंतःकरण में मेरी ज्ञान की स्थिति है, ये ज्ञान की स्थिति नहीं है। मन मर्जी करना, अपने अकॉर्डिंग चलना, जो मुझे ठीक लग रहा है वही करना, ये स्वाधीन अंतःकरण वाले की स्थिति नहीं है। ये मनमुख हुआ, मन मर्जी से चलता है, जो उसको ठीक लगता है वही करता है, वो सबको सुना सकता है, किसी की सुन नहीं सकता है, ये स्वच्छंद अंतःकरण है, उसके अपने अधीन भी नहीं। ऐसा गलत अभ्यास कर लेते हैं कि अपना मन ही अपने वश में नहीं है, ना कर पाते हैं। तभी देखो कोई बात होती है ना, कोई किसी को कुछ कह दे, हम सबसे पहले उससे पूछते हैं क्या तुम ऐसा सुन सकते हो, इस बात का जवाब दे दो, तुमने जो बोला अगले को क्या तुम सुन सकते हो, वहीं चुप हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तुम स्वच्छंद प्रकृति के हैं, तुम किसी को कुछ भी बोलना अपना हक समझते हो और सुन तुम किसी की नहीं सकते हो, ये कोई ज्ञान की स्थिति नहीं। ज्ञानी तो एक छोटे बच्चे के साथ भी मुड़ सकता है, गुरु ने तो ये सिखाया। कोई छोटा बच्चा भी अगर प्यार करता है, वो भी बात करना चाहता है, वो भी हक रखना चाहता है, तो ज्ञानी तो उसके साथ भी बच्चा बन सकता है। स्वाधीन अंतःकरण उसको कहते हैं कि उसने अपने अंतःकरण को वश किया है, उसको दिक्कत नहीं है, किसी को भी प्यार कर सकता है, कैसा भी मुड़ सकता है, झुक सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम उन चीज़ों की तरफ क्यों नहीं चलते हैं? कभी अपनी मर्जी छोड़ के देखो, कभी अपने से ना चल के देखो। तीन बातें बताई, ईश्वर इच्छा, परिच्छा, स्वेच्छा। अब स्वेच्छा से चलने वाला मनमुख है, और गलती क्या करते हैं जिज्ञासु, स्वेच्छा को ईश्वर इच्छा कहते हैं, है उनकी अपनी इच्छा, चला उनको अपना मन रहा है, कहेंगे जो ईश्वर का हुक्म, जो प्रेरणा, और भगवान बोलते थे जो पर इच्छा में नहीं चला। जिज्ञासु के लिए पर इच्छा माना सबसे पहले गुरु की इच्छा, गुरु की इच्छा से चले। जब तक पर इच्छा में नहीं चला वो ईश्वर इच्छा को पहचान ही नहीं सकता, पहले गुरु की इच्छा से चले। गुरु की इच्छा में चलते चलते मुड़ता है, फिर सबके अनुसार चल सकता है, गुरु भाई हैं, जो आसपास हैं। फिर जब भी ये कार्य भी होता है तो जो भगत आते हैं उनकी इच्छा में भी अपने को फ्री छोड़ देता है, जहाँ ले चलो, जो खिलाओ, जैसा कराओ। ऐसा मुड़ा हुआ पर इच्छा में ईश्वर इच्छा से चल सकता है, पहचान सकता है ईश्वर इच्छा को। आप परीक्षा से चले नहीं, गुरु के हुक्म में चले नहीं, आपने ज्ञान का शब्द ओट लिया, स्वेच्छा को ईश्वर इच्छा बना लिया, और बीच में आपका मन अपनी खुराफात करता रहता है। कौन पकड़े आपको, ड्रिल तो आपने किसी के अकॉर्डिंग की नहीं है, आपने अपनी लाइफ की ड्राफ्टिंग खुद की हुई है, अपने हिसाब से की हुई है, अपने हिसाब से अपने को चलाए जा रहे हो। सही और गलत कहाँ पता चलेगा। आज आप एक गलती करो और आपको उस गलती पे पकड़ा जाए, अब आप उस गलती को लीला ही कहने लगो, ये भी भगवान की लीला है, उसने मेरे से गलती करा ली, वो कुछ दिखाना चाहता होगा दुनिया को। अब क्या आप इसको हुक्म में चलने वाला कहोगे? गलती हुई क्यों? मन से हुई, स्वेच्छा से हुई, उसका पश्चाताप करके उससे बहुत दूर जाना पड़ेगा। भाई एक कर्म मेरा मेरे गुरु को पसंद नहीं आया, अब मैं इतना दूर हो जाऊं उस कर्म से कि गुरु को कभी परछाई भी ना दिखे उस कर्म की, इतना दूर हो जाऊं, उनको मेरी कोई इच्छा नज़र आ गई, मैं इतना निरिच्छा हो जाऊं कि गुरु को एहसास होने लगे मेरी फकीरी का, उनके अंदर भी तो मेरी भावना पहुंचेगी,
पर गड़बड़ क्या है कि हम स्वेच्छा को ईश्वर इच्छा कह के और अपना काम चलाए जाते हैं और बड़े खुश रहते हैं, मैं तो ईश्वर इच्छा से चल रहा हूँ, ये सब भगवान की लीला है, भगवान ही करा रहा है। अब विश्वामित्र बोले, मेनका आई, ये भी लीला है। लीला तो है, पर लीला में तू ये देखना, भगवान ने इम्तिहान लिया कि तू अपने वैराग्य को प्रबल रख सकता है कि नहीं, ना कि ये सोच तू उसके साथ गिर जा, औलाद पैदा कर ले, सन्यासी से गृहस्थी बन जा और बोलिए लीला है। ये मन मुखता है, लीला तो नहीं कहलाएगी। तभी विश्वामित्र का नाम गिरे हुओं में आया, चढ़े हुओं में तो नहीं आया, उसको ब्रह्मज्ञानी तो नहीं बोला गया। पर जब किसी भी गिरे हुए का मिसाल देना होता है, उसको विश्वामित्र कहने लगते हैं, क्योंकि ये मनमुखता है। तो आप इन चीज़ों का डिफ्रेंशिएट करना भी तो सीखो ना। आप उसको ईश्वर इच्छा नहीं कह सकते। मन हमेशा मुड़ेगा गुरु की इच्छा में। उसके बाद जब जिनके संग तुम रहते हो, सबके साथ भी प्रेम करने में, एडजस्ट करने में, उसमें तुम्हारी ड्रिल होती है, तब तुम कह सकते हो मैं परीक्षा से चलता हूँ। और उसमें भी मुँह ना बने, मन कुड़कुड़ ना करे, प्रेम से स्वीकार करो चीज़ों को, खुशी बनी रहे, वो सब भी चाहिए। ये तो बहुत बड़ा एक भ्रम जाल है कि पता चलता नहीं कौन सा मन और कौन सी ईश्वर इच्छा। अब अर्जुन कह रहा है भगवान को, जब सब कुछ तुम करने वाले हो तो मेरे से पाप कर्म भी भगवान तुम्ही तो नहीं कराते हो। तो भगवान को कहना पड़ा, नहीं, तेरी नामुराद इच्छा कराती है, मैं नहीं कराता हूँ पाप कर्म, मेरे को भूलता है, वर्ल्डली डिजायर्स की तरफ जाता है, लोभ लालच में आता है, तब तेरे से पाप कर्म होता है, मैं क्यों कराऊंगा। राम तीर्थ ने अनुभव किया इस जगह पर, एक अर्जुन कह रहा है पाप कर्म भी तुम तो नहीं कराते हो। और स्वामी राम तीर्थ का अनुभव देखो, कहता है मेरा यार निकम्मा था, उसने मुझे भी निकम्मा कर दिया, उसने पहचाना ईश्वर इच्छा को, इतना चिंतन में रहा, इतना भगवत भाव में रहा, खुद भगवत स्वरूप हो गया। उसने नहीं बोला कि भगवान कहता है ये कर, भगवान कहता है वो कर, अपने मन की इच्छाओं को छेदता गया। अगर एक नींबू खाने का भी मन हो गया, खरीद भी लाया, उन नींबुओं को भी मिट्टी में फेंका, बोला ये तो मन है, ये भोग वृत्ति ने मुझे योग साधन से उठा दिया। पहचाना ना तुलसीदास जी ने, पहचाना मेरी इच्छा राम रूप बन के आई है। अब जिनके पास विवेक नहीं, वो ये सब भगवान की लीला बना देते हैं। अभी आपको झेप मिटानी है, समझो गुरु ही कोई आपको गलती बताए, डांट दे, अब झेप तो आती है सबसे। अब आप बाहर जाके बोलो लीला है सब उनकी, लीला कर रहे हैं, लीला काय कर रहे हैं, उनको लीला करनी है तो गोपियों के साथ अच्छी लीला की, कंस के साथ कोई लीला हो रही है, पाप मिटाना है, तेरे सिर में जूते मार के कोई लीला हो रही है, और तू ऐसा है ही क्यों कि भगवान को ऐसी लीला करने पे मजबूर होना पड़े। तो उनका प्रेम जीत, उनकी भक्ति जीत, उनका विश्वास जीत, उनके साथ के योग्य बन, उनके जैसी जीवन बना, वो लीला है क्या? वो तो झेप मिटाने के लिए शब्द है लीला। फंसे रहो अपनी अपनी घर गृहस्थी में, मन के अधीन, लोक वासना, दुनियादारी, फिर कहेंगे राजा जनक भी राजाई में बैठा है। राजा जनक से उपमा तो तुमने फटाफट दे दी, अब तुम्हें भी एक पैर तुम्हारा सुंदर स्त्रियों की गोद में, दूसरा डालें कढ़ाई में, फिर
बन के दिखाओ राजा जनक सही में, फिर है तुम्हारे अंदर सामर्थ्य गुरु के तीन चांटे खाने की? एक चांटा ही होश में ले आएगा गुरु का। बातें करनी आसान है ना, ज्ञान को ओटो मत। अब प्रयास करना चाह रहे हो, मोड़ना चाह रहे हो, पर गलत तरीके से मोड़ रहे हो। पुरुषार्थ तो करना चाहते हो कि कारण ही ना बनने दूं ऐसा, लेकिन मन में कारण ना बनने दो, बाहर नहीं। बाहर तो संभव नहीं है ऐसा। पुरुषार्थ को सही दिशा भी तो देनी आनी चाहिए। अभी गलत दिशा है पुरुषार्थ की। मैं अपना समय बदल लेता हूं, समय बदलते ही तुम अनाउंसमेंट करेंगे। अब मैंने टाइम बदल लिया है अपना, अब उस टाइम मुझे कोई नहीं छेड़ेगा। गड़बड़ हो गई ना। अनाउंसमेंट ये करो, जिसने मुझे जितना छेड़ना हो छेड़ो। मैंने भी नाराज ना होने का कसम उठा लिया है, मैं फ्लेक्सिबल हो गया हूं। ये अनाउंसमेंट करो किसी दिन, ये सही पुरुषार्थ होगा। भाई मुझे विक्षेपता क्यों आई? श्वेत केतु की तरह जो बना दिया भगवान ने उसमें राजी हो गया। एक अंदर में ऐसा फ्लेक्सिबल बन जाओ, तुम्हें कोई इंटेंशनली भी तंग करे ना, वो तंग हो जाए, तुम ना ओके हो। पुरुषार्थ की सही दिशा ये है। अव्वल तो कोई इंटेंशनली कुछ कहेगा नहीं। मान लो कभी कभी घर में रिश्ते नाते ऐसे होते हैं कि कोई इंटेंशनली तंग करता है, कितना करेगा? तुम इतने बन जाओ मजबूत, तुम इतना कर लो पुरुषार्थ, अपने अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ले आओ कि तंग करने वाला तंग हो जाना चाहिए। वो औखे आ जाए कि भाई इसको तंग कैसे करूं, इसको दुखी कैसे करूं। समझो तुम्हारा नियम है, कोई चार दिन लगातार ही खड़ा हो जाता है, आज ये कर दे आज ये कर दे। मन में ये नहीं आना चाहिए, देखा मेरी चुप्पी का फायदा उठा रहा है, जरा एक दिन ठीक करना पड़ेगा इसको। करो चार दिन पांच दिन, कहां से लाएगा रोज काम उस वक्त? चैलेंज जरा अपने को दे के देखो ना कि क्या हुआ। फिर मैं मुड़ के देखता हूं, समझो अभी तुम्हारे पैर में मोच आ जाए, फिर तो सारे नियम गए। समझो बुखार हो जाए, फिर तो सारे नियम गए। नहाने का ही नियम चला जाएगा, बाकी नियम तो छोड़ो। एक बात है, लेकिन जब किसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मुड़ना पड़ता है तो हमारे पास ऐसी बातें होती हैं बड़ी सारी, या फिर हम पुरुषार्थ को गलत दिशा दे के उपाय खोजने लगते हैं। पर आपके उपाय तो खतरनाक होते हैं, तो खतरनाक उपाय है ना, क्योंकि जिस दिन किसी ने पंगा लिया नहीं, आप पीछे पड़ जाओगे हाथ धो के। पता है ना, पहले मैंने तुम्हारे कारण टाइम बदला ना, अब तुम फिर मेरे साथ ऐसे कर रहे हो ना, ये तो खतरनाक उपाय है। क्रोध बढ़ाएगा, ये तो खतरनाक उपाय है। दूसरों को डराएगा, ये तो खतरनाक उपाय है। और ही ज्ञान की वृत्ति खराब करेगा, और अहंकार को बढ़ावा देगा, क्रोध को बढ़ावा देगा। ये उपाय नहीं हुआ। ये उपाय ज्ञान का वो होता है, मेरे भीतर भी शांति बनी रहे और मेरी वजह से बाहर माहौल में भी विक्षेपता पैदा ना हो, उसको उपाय कहते हैं। किसी से विक्षेपता में आना या किसी को विक्षेपता में लाना, दोनों को पाप समझ के चलना चाहिए। और जब आप कोई भी पुरुषार्थ करो, जरूर विचार करना कि क्या ये सही पुरुषार्थ है। राइट है ये बात? बात जहां से रॉन्ग होती है वहां से उसको राइट नहीं करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि जहां से हमारी बात गलत हो रही है हम बात को वहां से ठीक करें ना। वहां से क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं? वो बात तो हमारी वहीं रह गई,
हम दूसरी तरफ निकल लिए, बात ये गलत है ना। आज आपके लिए समझो आपको परहेज का खाना ही है, नहीं बन पाई कोई चीज़, आप क्रोध में आ गए, मैं रोटी ही नहीं खाऊंगा, ये उपाय नहीं है ना। आप या तो बना लो या बता दो प्यार से, भाई मेरे को तो ये चीज़ बना के दो, मैं नहीं खा पाऊंगा। वो रोटी ना खाना उपाय है, अक्सर घरों में होता है, जेंट्स लोग थालियां फेंकते हैं, लड़के लोग करते हैं, सबसे गंदी बीमारी है ये, उपाय नहीं। जो तुम्हें चाहिए तुम वो बोलो, वो उपाय है, तुम उठ के कर लो, वो उपाय है। उपाय उसको कहते हैं ना भाई। हाँ ठीक है, मिलजुल के प्रेम से रहना, शेयर करके रहना, उसको उपाय कहते हैं। तो आपके उपाय भी कहीं कहीं और चल देते हैं, तो वो चीज़ें हमेशा नुकसान वाली हैं, उससे किसी को लाभ नहीं होगा, आपको भी नहीं होगा, किसी और को भी नहीं होगा। मन मोड़िंदुआ हथ जोड़िंदुआ सतगुरु जे दरबार में। अब आप सोचते हो बस गुरु के दरबार में ये काम करना है, गुरु तो खुद इतना मुड़ा हुआ है, उसके साथ तो मुड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जहां आप कहते हो ना मैं गुरु के अनुसार मुड़ता हूं, आपके स्वभावों की रिजिडिटी है, इस वजह से आपको मुड़ना मुड़ना लगता है। ज्ञानी तो इतना मिटा हुआ है, उसके साथ आप क्या मुड़ोगे, वो तो खुद ही एक एक के आगे प्रणाम करके बैठा है, आप उसको क्या हाथ जोड़ोगे। बात तो है जहां जहां आपके स्वभाव निकल के आते हैं, आप चीजों को वहां पर ठीक करो ना, वहां पर चेंज करो, तब मजा आएगा। एक रोटी है आधी शेयर कर लो किसी के साथ, ना तो छिप के खाना तरीका है, ना पूरी थाली फेंक देना तरीका है, ये लो तुम ही खा लो बस, वो भी गलत है, दोनों चीजें गलत हैं। किसी के साथ शेयर करनी पड़ी, अलमारी शेयर करनी पड़ी, कुछ शेयर करना पड़ा, ये उपाय नहीं है, लो लो मैं सारा सामान फेंक देता हूं अपना, तुम ही ले लो तुम ही ले लो, ये भी उपाय नहीं। अगले को नहीं रखने दूंगा, ये भी उपाय नहीं। भाई मिलजुल के देखते हैं कैसे सेटिंग बैठती है, उपाय ये है। आपके उपाय जो हैं उनका इंटेंशन देखो ना, फिर आप अपनी रिजिडिटी में वरत रहे हो और कह रहे हो मैं मुड़ा हुआ, आप फिर उसको उपाय कह रहे हो, वो उपाय नहीं है ना। उपाय हुआ आप बताओ, आपको मैंने पूरी अलमारी खाली कर दी है, लो तुम ही रख लो सब सामान, देखा फिर मैं कितना मुड़ा हुआ। मेरे को उस दिन एक बार बोला मैंने पूरी अलमारी छोड़ दी है, लो हम मान लें आप मुड़े हुए, नहीं आपके अंदर क्रोध है, आपके अंदर विक्षिप्तता है, आप प्यार से वहीं जगह बना लो दूसरे के लिए भी। बोलो क्या हुआ, मिलजुल के रहेंगे, मिलजुल के रखेंगे चीज, तुम भी रखो मैं भी रखता हूं। हमेशा देखना चाहिए कि हम लोग जिन चीजों के निर्णय तपाक से लेते हैं वो हमारी मुड़त का हिस्सा है या वो भी हमारे अहंकार की प्रेरणा है। बहुत जगह हमारे अहंकार की प्रेरणा है, हम उसको मुड़त कह रहे हैं, वो मुड़त नहीं, प्रेरणा अहंकार ही दे रहा है पीछे। एक गुरु प्रेरणा देता है, ज्ञान प्रेरणा देता है, डिफरेंस है, और एक हमारा अहंकार हमको मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। हम जब अपनी ईगो से इंस्पायर होते हैं तो हमें मुड़ने के बाद भी शांति नहीं होती, हमारे पल्ले क्रोध होता है, हमारे पल्ले खिन्नता होती है, हमारे पल्ले विक्षिप्तता होती है, और जब हम ज्ञान सहित मुड़ते हैं ना हमारे पास आनंद होता है। ये फर्क है, उसमें खिन्नता रहेगी, आप मुड़ भी जाओगे, आप चेंज भी हो जाओगे, लेकिन खिन्नता बनी, मन खुश नहीं होगा, क्योंकि जोरी की एडजस्टमेंट करी है, क्योंकि अगले के स्वभाव को दोष देते हुए मुड़े हो।
क्योंकि उसमें आपका मन कहेगा लो ये लोग बस अपना ही देखते हैं, दूसरे का सुख तो कोई समझता ही नहीं है, दूसरे को कोई समझ ही नहीं पाता है, मेरी ये बात मेरी वो बात, चाहे शरीर ही है और कुछ नहीं कहोगे, अब मेरा शरीर नहीं चलता हो तो मुझे पता है मेरे लिए ये जरूरी है मेरे लिए वो जरूरी है, इतनी सारी विक्षेपता क्यों है तुम्हें, इतनी सारी खिन्नता इतनी सारी विक्षेपता क्यों है। हमारे पैर में शुरू से प्रॉब्लम थी बचपन से, तो जाना होता था गुरुजी के पास भी, अब स्वेलिंग हो जाती थी पैर में, सारा दिन चलो फिर नीचे बैठना पड़े, कभी कैसे अच्छा ही नहीं, खुद को बुरा लगता था, छोटी उम्र थी उनके सामने ऊपर कहाँ चढ़ के बैठे, फिर चेयर पे बैठो, सपोर्ट चाहिए होती थी तो नीचे ही बैठ जाना, रोज का काम था पैर सूज जाए रात को दर्द करे, भगवान बोलते थे क्या हुआ, रात को 15 मिनट अपनी सेवा को दे दो, पानी गर्म करके सेक लो पैर, रात को कोई ऑइंटमेंट लगा के क्रेप बैंडेज बांध दो, सुबह तक स्वेलिंग उतर जाएगी, अगले दिन के लिए रेडी हो गए, चलो फिर चलो। हमेशा ऐसी बातें सिखाते थे कि हर चीज का अल्टरनेट निकाला जा सकता है ना, और ऐसा अल्टरनेट निकालो जिसमें तेरा मन भी खुश रहे, सबसे पहले अपने मन भी खुश रहना चाहिए और सामने वालों को भी उलझन ना हो, ये चीज चाहिए होती है। अब आप किचन में काम करते हो, आपको पता है ना आपको किस चीज को बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको पता है ना, उसी हिसाब से बर्तन उठाते हो कि नहीं उठाते हो, पूड़ी तलने के लिए मालपुए की कढ़ाई उठा लोगे नहीं उठाओगे, पूड़ी तलने वाली कढ़ाई में मालपुए नहीं तल पाओगे, रोटी वाले तवे पे डोसा नहीं बनता, पता है ना चीजें, कड़छी उठा के पूड़ियां नहीं तलोगे, मालूम है आपको, पौनी से सब्जी नहीं चलाई जाएगी, पता है नहीं पता है? वही बात है, किस समय कौन सी विचार लेना चाहिए, कौन सा निर्णय लेना चाहिए, ज्ञान के बाद ये सब समाधानता चाहिए होती है, मूड बन के नहीं चलना होता ज्ञान सुन के, अपनी खीज में अपनी चिड़ में अपने शोर में इनमें नहीं चलना चाहिए, ज्ञान सुनने के बाद अपने साथ एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके पॉजिटिव डिसीजंस लेने चाहिए जिसमें सामने वाले भी पॉजिटिव रह पाए, ना आपके अंदर नेगेटिविटी हो ना आपके डिसीजंस में नेगेटिविटी हो ना किसी और के लिए कलेश फैलाओ। मजा तो तब है, हम मुड़त भी अहंकार से दिखाते हैं, मैं मुड़ गया ना, मैंने ऐसे कर दिया ना, मैं कह रहा हूं ना मैं ये छोड़ दूंगा, मैं ये कह रहा हूं ना मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये कह रहा हूं ना मैं अलमारी खाली कर दूंगा, ये तो तुम अहंकार दिखा रहे हो या मुड़े हुए हो, तुम फैसला करो। और मजेदार बात पता है क्या है, जब ऐसी सिचुएशन तुम्हारे आगे आए तुम्हें दूसरे का ईगो झट पकड़ में आ जाता है और अपना ईगो पकड़ में नहीं आता, अपना अहंकार नहीं समझ में आता, तुम्हें यह तो समझ आ रहा है मेरी मजबूरी, एक बार सामने वाले की जगह खड़े होके देख लो उसकी भी मजबूरी होगी, शायद तुमसे बड़ी होगी, शायद उसने 4 बार सोच के ही तुम्हें कुछ कहा होगा। अपने घरों में भी देखो जब पता होता है ना, अभी हम लोग सत्संग ही आते हैं, नियम है हमारे सत्संग के सबके है ना, घर में वाइट वॉश हो कोई काम हो सबको पता होता है ये लोग दोपहर बाद तो खड़े हो जाएंगे पर सत्संग के समय नहीं, बेचारे झेपते हुए एक आध बार कहते हैं कल तुम ये देखोगे काम, कल तुम छुट्टी कर लो, घर के लोग भी झेपते हुए कहते हैं, कोई भी हमको कहता है वो पहले जानता है इनका नियम है, हर कोई जानता है लेकिन उसकी अति मजबूरी होती है तो चलो वो हमें कह देता है, ये हमको भी समझना आना चाहिए कि ऐसे तो नहीं कह रहा अगला, उसकी मजबूरी ज्यादा ही होगी, चलो कोई बात नहीं, तुम तो कह रहे हो मैं 4 दिन अपना नियम नहीं करूंगा,
तो मेरे शरीर पे असर आ जाएगा, हो सकता है अगले का शरीर आज ही बीमार हो, ये भी तो हो सकता है। फिर तुम तो 4 दिन बाद बीमार पड़ोगे तो 1 दिन में फर्क नहीं पड़ेगा, अगले का शरीर हो सकता है आज ही अस्वस्थ हो, फिर क्या किया जाए? चेक करने वाली बातें हैं। अगर हम सबको अंडरस्टैंड करके चलेंगे उसको भी दिल की उदारता कहते हैं। उदार दिल व्यक्ति है, अंडरस्टैंड करता है सही को भी, गलत को भी, अच्छे को भी, बुरे को भी, और एक अपने स्वार्थ में जीने वाला ना खुद सही चलता है ना किसी को सही दिशा दे सकता है। वो किसी को सही दिशा दे भी नहीं सकेगा, चाहे बातें ज्ञान की करे, मेहनत चाहे बहुत करे ज्ञान की, लेकिन गलत ही है क्योंकि उसका इंटेंशन ही गलत है। एक मकान हम बनाने लगे, नींव ही गलत पड़ गई, बिल्डिंग कहाँ ठीक पड़ेगी? जिन कर्मों में हमारे इंटेंशन ठीक नहीं, हमारी मर्यादाएं नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक कर्म को लेके, अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो चाहे आप आत्मज्ञान भी बोलते जाओ। तभी तो चित्रलेखा का वो पिक्चर जो आई उसमें बता दिया ना भाई, सन्यासी ने मर्यादाएं बड़ी रखी, तू दूसरे कमरे में सो, मैं इस कमरे में सोता हूँ, मैं स्त्री का मुख नहीं देखता हूँ, भाई बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। और हालत क्या हुई? आंख बंद करे चित्रलेखा, आंख खोले चित्रलेखा, घुस गई स्त्री अंदर। अब जब इंटेंशंस ही ठीक नहीं थे, चाहे सिखाए समाधियां, चाहे सिखाए प्राणायाम, चाहे सुनाए आत्मज्ञान, है तो सब बेकार ही है, तो सब बेकार, क्योंकि उसकी आड़ में तुम्हारे अंदर तो रस है। और अगर मनुष्य का रस नहीं है तो उसको 1 मिनट में छोड़ने में देर भी नहीं लगेगी, छोड़ दे मतलब छोड़ दे, मुड़के भी ना देखे फिर उस तरफ, तब कहेंगे ना रस नहीं है। पर जब 1 दिन अपने को रोको, दूसरे दिन फिर वही काम कर रहा है, 4 दिन तो रुक जाओ, 5वें दिन फिर उसी ढर्रे पे आ गए, तो रसी तो हुआ, रसी तो हुआ, भक्ति नहीं है। क्योंकि फर्क है, जब हम अपनी इच्छा के पीछे भाग रहे हैं हम गुरु भक्ति में नहीं लगे हुए। बुल्ले शाह गुरु के पीछे भाग लिया तो मना के रहा 1 दिन, अगर वो अपनी भूल ना समझता, कह देता ये भी गुरु जी की लीला है, दरवाजे बंद कर लिए, जो भी कर लिया, और वो अपना मस्त हो जाता कहीं और विषय में, तो आजीवन क्या वो गुरु को जीत पाता? डिफरेंस तो यहां आ जाते हैं ना। भगवान अर्जुन को कहते हैं बुद्धि मुझे अर्पण कर, क्योंकि बुद्धि ज्ञान सुन के चतुर हो जाती है, बहुत होशियार हो जाती है, और ये अपनी तिगड़म लगाए रखती है, ज्ञान को भी मोड़ लेते हैं अपनी सुविधा अनुसार, अपने सुखानुसार ज्ञान को भी मोड़ लिया। और जबकि गुरु की इच्छा में चलने में सबसे पहले जो कर्म उनको पसंद नहीं है मैं उससे परे हो जाऊं, सबसे पहली बात है, जो कर्म पसंद नहीं है भाई आज के बाद आप देखेंगे ही नहीं। समझो गुरु का तुम्हारा मोबाइल पे ही बात करना पसंद नहीं है, मोबाइल से संन्यास ले लो, बोलो हाथ भी ना लगाऊं आज के बाद, मुझे क्या करना है, मुझे आप चाहिए, जब दुनिया से मेरा वास्ता ही नहीं तो ये मोटके का मोबाइल मेरा क्या करेगा, कनेक्ट तो आपसे रहना है, आप अपने चरणों में रखो, आपसे कनेक्शन है, और किसी से मेरा कनेक्शन चाहिए ही नहीं मुझे, है ना। और तुम ये शुरू कर दो, चोरी बात करनी शुरू कर दो, सामने तो ये दिखाओ कि नहीं देखो हम नहीं बात करते, हम नहीं ऐसे करते, और चोरी बात करो, या फोन आए तो झूठ बोल दो, फलाने का आ गया, फलाने का आ गया, तो ऐसे में तुम्हारी भावनाएं सही थोड़ा है, पापी है मन में,
गलत इंटेंशंस ही हैं भाई। जब हम वैसे अपने आप को इतना सन्यासी कहते हैं, त्यागी कहते हैं, ज्ञान से हम कहते हैं हम निरिच्छा हैं, तो फिर तो हमें किसी भी चीज़ से हटने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। कह दिया हट जाओ तो हट जाओ, उसको बोला हट जा, सब चीज़ से ही हट गया। कितनी देर लगी, हट जा, मुझे क्या करना, हमको चाहिए क्या ये सब। एक बार भगवान ने ना किसी को बोला था नाश्ता बना देना सुबह, सिंधी थे वो भी, तो भगवान को कोई चीज़ अच्छी लगती होगी उनके हाथ की, या उसने ऑफर किया हम बनाएंगे। वो अपना सुबह को बैठ गए बातें करने सबके साथ, भूल गए। गुरुजी ने बुलाया तो डांटा भी सही। बाद में बात हुई हमसे, बोले हम गलत थे क्या, हम भी तो बैठ के गुरु की महिमा ही कर रहे थे। हमने कहा अगर वो नहीं चाहते आप महिमा करो, आपको वो भी करने की क्या ज़रूरत है, वो आपको सेवा में रखना चाहते हैं, आप सेवा में रहो। आपको ये हट क्यों है कि मुझे महिमा ही गानी है, मत गाओ ना। उनकी मौज है, वो अपनी महिमा गवाना चाहते हैं हमारे मुख से तो गवाएं। अगर वो पसंद नहीं कर रहे, हम बस मुंह को सिल के सेवा में भी चल सकते हैं, जैसे गीता भगवान चले। दादा लक्ष्मी बैठे रहते थे, गीता भगवान साथ बैठते थे, गुरुजी बोलते ना वो आंख उठाते थे ना वो एक शब्द बोलते थे। बोले पूरे पूरे 24 घंटे बीत जाते थे, गीता भगवान के मुंह से एक शब्द ही नहीं निकलता था। जब वो लोग हुक्म करते थे तो भले सत्संग भी करते थे, गुरु ने हुक्म किया भाई आज तुम बात करो सत्संग में, बोले अच्छे से एक घंटा बात भी करते थे, पर अगर गुरु का हुक्म नहीं है पूरे दिन में वो एक शब्द भी नहीं बोलते थे। इसको कहेंगे ना हुक्म में चला हुआ गुरु के। अब आप अपनी मर्जी से सारा दिन बोलो, आपको ये भी नहीं पता लग रहा आपका किसी से रस है बात है, और आप बोलो भगवान महिमा गवा रहा है, भगवान की महिमा तो कर रहा हूं, नहीं वो भी गलत है फिर उस समय, क्योंकि तुम्हें रस पड़ गया ना, देख रहे हो स्त्री है ना देख रहे हो पुरुष है, रस पड़ गया। कईयों को रस पड़ जाता है। अभी सत्संगी किसी को बोलते हैं भाई करो, चलो जेंट्स जाके जेंट्स का करो, लेडीज जाके लेडीज का करो, फिर चार दिन बाद देखो औरतें 50 इकट्ठी कर ली। भाई तुम्हें क्यों चाहिए ये सब, तुम्हें जेंट्स के लिए आज्ञा हुई, पर वो स्वाद दूसरा आने लग गया, क्या किया जाए ऐसे में। तो ये नहीं पता चलता कब हमको मन चला रहा है, कब हमको अंदर इच्छाएं अपनी पूरी हो रही हैं, कब हमको दूसरे रस आने शुरू हो गए, मालूम ही नहीं पड़ता। और अगर गुरु ने कह भी दिया कि नो मीन्स नो, बात खत्म, भाई ठीक है कल से, चलो एक बार भूल हो गई हमसे, कल से आपको एक भी स्त्री नजर नहीं आएगी, हम अपना बैठेंगे आपस में पुरुष लोग, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मुड़ कौन पाएगा जिसको रस नहीं होगा, अगर रस है तो मुड़ना तो मुश्किल है ही। भाई गुरु को पसंद नहीं आया मेरा कर्म, मैं स्त्रियों की तरफ देखता भी नहीं हूं, मैं जानता भी नहीं हूं कोई स्त्री है भी सही दुनिया में। अब वहां तुम ये ज्ञान ओट लो स्त्री पुरुष होता ही नहीं है, मैं तो एक ब्रह्म देखता हूं, मैंने कृष्ण की तरह स्त्री का मुख नहीं देखा है, ये हो गई बकवासबाजी सारी, ज्ञान थोड़ी हुआ, ये अपने आप को धोखा देने वाली बात हो गई। कृष्ण बन के तुमको कहा गया क्या, कृष्ण बन के दिखाओ, जब तुम्हें गुरु ने कहा ही नहीं कि तू कृष्ण की तरह जाके बन और ना स्त्री पुरुष की भावना मत रख, जब वो गुरु आज्ञा करता तो करता। अभी तो तुमको तुम्हारी इच्छा ने कर्म कराया ना, अब वो पता नहीं कितने साल लग जाते हैं अपनी जड़ता समझ आए, अपने रस समझ में आए, सालों का समय बर्बाद हो जाता है। क्योंकि अंदर तो है स्वेच्छा से चलने का स्वभाव, स्वच्छंद रहने का स्वभाव। एक बार एक ने गुरुजी से बड़ी बहस की थी कि ज्ञान तो है ना मैं मुक्त स्वरूप हूं, फिर इतना सब क्यों चलता है, गुरु की आज्ञा में रहो गुरु भक्ति में रहो।
कई दिन वहाँ चला गुरुजी के पास, इतनी बहस करी, आखिर वो सत्संग छोड़ गया। हमने गुरुजी को बोला जाएं बात करें, बोले नहीं, वो स्वच्छंद अंतःकरण वाला व्यक्ति है, उससे मेहनत करना बेकार है, उसको स्वच्छंद और स्वाधीन का अंतर ही नहीं पता है और ना वो समझना चाहता है। बोले हम समझा भी देते पर वो समझना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके अपने रस उसको चला रहे हैं, उसको खुद को मज़ा आ रहा है, वो किसी को धनी साई बनाना ही नहीं चाहता है, किसी के हुक्म में रहना ही नहीं चाहता है। तो वो स्वेच्छा वाला आदमी है, सिर्फ ज्ञान का इस्तेमाल करके वो अपने को ईश्वर इच्छा पे चलने वाला बता रहा है, धोखा दे रहा है जितने लोग सामने बैठे हैं। क्योंकि जो पर इच्छा में नहीं चला, तब भगवान से बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, उन्होंने तब समझाया हमको कि जो गुरु इच्छा में नहीं चला, पर इच्छा में नहीं चला, अरे ईश्वर इच्छा को तो वो पहचानता भी नहीं है, वो खाली बातें कर रहा है, उसको पता ही नहीं ईश्वर इच्छा होती क्या है। पहले गुरु की इच्छा में चलेगा, उसकी अपनी इच्छा मरेगी, गुरु हर तरह से उसको मोड़ेगा, फ्लेक्सिबल बनाएगा, फिर तो वो पहचानेगा ईश्वर इच्छा क्या होती है। अभी तो वो खाली बातें करता है बाहर से। तो ये फर्क है जो हमको पहचानना चाहिए कि हमारी मुड़त किस हिसाब से है। हमने ज्ञान का आश्रय लिया है, अहंकार का आश्रय लिया है, हम स्वाधीन अंतःकरण वाले हैं या हम स्वच्छंद अंतःकरण वाले हैं, मनमर्जी से चलने वाले, हम गुरु के हुक्म में भी क्यों रहे, हमने तो अपने को जान लिया, हम तो मुक्त हो गए। लेटर लिखा था किसी ने गीता भगवान के पास, मैंने जिसकी बात बता रहे हैं, गुरुजी ने लेटर निकलवाया, उसको लेटर सुनाया, किसी ने गीता भगवान से पूछा था कि जब सारे संसार की गुलामी से गुरु छुड़ाता है, फिर गुरु की गुलामी में क्यों रहे। पूरा पत्र था गीता भगवान का, जिसका जिस्ट ये था कि जब तक गुरु की गुलामी में नहीं रहोगे, संसार की गुलामी से छूटोगे नहीं, गुरु की गुलामी में रहोगे तो सत्संगियों की गुलामी से भी छूटे रहोगे। कि जैसे एक पेपर वेट पेपर्स पर पड़ा रहता है, पेपर फड़फड़ाते तो हैं, उड़ नहीं सकते, ऐसे जब ऊपर से गुरु रहता है, मन अपनी खींच लें तो कर सकता है पर कर्म नहीं करा पाएगा। बहुत ऐसे लेटर है गीता भगवान का, बहुत अच्छा, एक घंटा गुरुजी ने बैठ के उसको लेटर भी सुनाया था, लेकिन बुद्धि में नहीं बैठी बात, क्योंकि इतनी आदत पड़ी हुई थी स्वच्छंदता से चलने की कि हम गुरु से पूछ के कार्य करें। सत्संग भी किया कुछ टाइम उसने, भगवान ने बोला इसको सत्संग करने में लगाओ, शायद कुछ समझ आ जाए, लेकिन नहीं आया, क्योंकि अहंकार समर्पित करना मुश्किल होता है, जेंट्स में खास बीमारी होती है, अहंकार नहीं समर्पित कर सकते, किसी की आज्ञा में नहीं चल सकते, ज्ञान के मिथ्या सिद्धांत और उस पर इंसान चल के अपने आप को ज्ञानी बना देता है, ऐसे प्रकट कर देगा चार लोगों में अपने को जैसे पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी ही मैं हूं। अजीब बीमारी, अजीब चक्कर, वो बीच में एक ने बताया था ना, बोले कोई ले आया हमको आपके यहाँ सत्संग में, बोले हमको सत्संग बहुत प्रभावित हुए हम सुन के, बाई चांस आपने उस दिन भजन भी गाया था, हम बड़े प्रभावित हुए, बोला रास्ते में हम बात करते जा रहे गाड़ी में, बोला जितने लोग गाड़ी में थे सत्संग करने वाले सहित, बोला सब चिपक गए, बोला इतनी निंदा कर दी, इतने वो घर पहुँचते तक मेरा ब्रेन वॉश कर दिया, बोला पर पता नहीं कौन सा बीज पड़ गया था, हम खिंच खिंच के फिर आते रहे, और आखिर हमको समझ में आया कि अगर वो पूर्ण होता तो अपने गुरु की निंदा क्यों कर रहा था हमसे, अगर वो पूर्ण होता तो इस तरह की बात क्यों कर रहा था। बोला हमको समझ में आ गया कि खोट है वहां पर। तो ये ऐसे ऐसे खेल कौन करता है, जो ईगो रख के बैठा है, अपनी अहंकार रख के बैठा है। बोला मेरी ब्रेन वॉश कर दिया छह लोगों ने मिलके कि दोबारा हम आपकी तरफ मुड़ के ही ना आते, पर पता नहीं कौन सा बीज पड़ गया था अंदर, हमको आकर्षण हुए बार बार,
और फिर हमने आपके पास आना शुरू किया नियम से। तो किस क्या कहेंगे इसको, सिर्फ शो ऑफ कि मैं ही तुम्हारा गुरु हूं, मैं ही पूर्ण हूं, मैं ही ऐसा हूं। इस मैं को कपड़े ही तो पहना दिए, बन के कैसे बैठे हैं। ज्ञान तो है आपस को कर कछ ना जनावे, मेरे हुक्म में चलो, मेरी आज्ञा में चलो, वहां भी हम ले चलेंगे तभी चलना। उल्टा ऐसों के पास से फिर लोग भागते हैं। एक समय श्रद्धा बनती है, प्रभावित होते हैं, लेकिन व्यवहार समझ जाते हैं, फिर वो छोड़ छोड़ के कहीं कहीं और भाग के ज्वाइन करते हैं। बोला इसके पास तो मुसीबत है, ज्ञान नहीं है सही, व्यवहार सही नहीं है, बोलने का ज्ञान है सिर्फ। तो नुकसान हुआ ना अल्टीमेटली, फायदा थोड़ी हुआ, नुकसान ही होगा, क्योंकि अपने जीवन में कुछ सिद्धांत बहुत गलत हैं। स्वच्छंदता को स्वाधीनता बना लिया। अब आप भी खुनकी समझते हो जब आप क्रोध करते हो, चार बातें बोलते हो, या कई लोग तो बड़ी खुनकी से, हम नहीं सुनते किसी की, तो आप सोचते हो ज्ञान की खुनकी, ज्ञान की सुनती खुनकी थोड़ा है। ज्ञानी तो एक बच्चे को भी सुन लेता, ये तो अहंकार है। आपको मर्जी से चलने का स्वभाव है, ज्ञान की खुनकी कहां से आई है? मुड़ते मुड़ते ज्ञान की खुनकी आती है। बीज मिटता है फिर वृक्ष इतना बड़ा प्रकट होता है। बीज मिटा ही नहीं, वृक्ष कहां से आ गया? अहंकार मिटा ही नहीं, खुनकी कहां से आ गई? ईगो लैसा पुए ही नहीं, भगवान कहां से हो गए? तन मन धन गुरु को दिया ही नहीं तो पूर्ण कैसे हो गया? जिस राजा जनक की भी सारे बातें करते हैं, उसने भी तो तन मन धन गुरु को दिया, पहले 3 थप्पड़ खाई, उसके बाद पूर्णता में पहुंचा ना जाके, फिर पता ही नहीं चलता है। हर कोई अपने को फिट कर देता है किसी ना किसी अवतार की जगह। पति पत्नी आएंगे, वो रामकृष्ण और शारदा माँ बन जाते हैं। ये शारदा माँ है, मैं रामकृष्ण हूँ, इतना आसान पड़ा है। उसने तो पहले दिन पूजा की थी, तुम्हारे तो बीवी बच्चे सारी गृहस्थी पूरी बन गई, अब वो शारदा हो गई, तुम रामकृष्ण हो गए। कंपेयर करने में भी शर्म आनी चाहिए। कोई गीता भगवान से कंपेयर कर लेगा, कोई किससे कर लेगा, हो ही नहीं सकता। वो अपनी जगह है, निश्चय हो गया तुम्हें ठीक है, लेकिन उस निश्चय का भी कोई इतना बखान नहीं किया जाता। शर्म आती है अपने ऊपर ही, बुरा लगता है अपने को ही कि हम कैसे उनकी बराबरी की बात मुंह से निकाल सकते हैं। उसको कहते हैं नम्रता, उसको कहते हैं भक्ति, उसको कहते हैं प्रेम। तो बाहरी बातें पकड़ के सांसारिक व्यवहार निभाते रहे और अपने आप को ब्रह्मज्ञानी भी कह दिया। गुरु ने कहा तुम्हें ब्रह्मज्ञानी, गुरु ने सर्टिफिकेट दिया है, गुरु तुम्हारी भक्ति पे रिझा हुआ है, गुरु ने तुम्हारे ज्ञान को पास किया है, गुरु ने तुम्हारी रहनी को पास किया है, गुरु के हुक्म से है तुम्हारा आचरण। गुरु को तो कख भी नहीं पता कहाँ जाते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, और तुम अपने को ज्ञानी कहना शुरू कर दो। तो ये धोखा हुआ ना अपने से भाई। घर बैठ के चाहे तुम 12वीं तक की क्लासें की पढ़ाइयां कर लो, किताबें ले आओ, सर्टिफिकेट नहीं है तो तुम्हें नौकरी कौन दे देगा? एक स्कूल का सर्टिफिकेट तो चाहिए कि हमारे यहाँ इसने 12वीं का इम्तिहान दे के पार किया है। अपने आप से ज्ञानी कोई कितना मर्जी हो जाए। अब सर्टिफिकेट तो नकली भी बनवा देना माँ बाप कहीं से तो भी नौकरी मिल जाती है, और पढ़ा कोई कितना मर्जी होवे और सर्टिफिकेट नहीं है, बात नहीं बनती। तो ऐसे अपने को ज्ञानी तो हम मिथ्या ज्ञान से कितना बना लें, पर प्रमाणित तो उसको गुरु करेगा, सर्टिफाई तो गुरु करेगा। अगर गुरु का ही सर्टिफिकेशन नहीं होगा तो कैसा ज्ञान?
कैसा ज्ञान? सोच के देखो। एक बार किसी ने शिफ्ट किया, वहां गुरु जी के उधर रहते थे, उन्होंने शिफ्ट किया वहां से। भगवान ने बहुत मना किया, लेकिन जो भी उनकी मजबूरियां थी या जो भी, हमको तो केस नहीं पता, पर बाद में गुरु जी ने हमसे बात की, कहने लगे देखो किसी किसी को भक्ति प्रेम खींच के गुरु के शहर में ले आता है। लोग अपना घर बार बेच के गुरु के शहर आ जाते हैं। और तुम मन और अहंकार को ये भी देखो कि कोई गुरु के शहर से सारा कुछ खत्म करके चले जाते हैं। बोले देखो अहंकार की स्थिति, ये गुरु की आज्ञा में चलना मुश्किल, आज्ञा में रहना मुश्किल। और हंसने लगे, बोले अभी देखना, ये जहाँ शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ जाके सत्संग करेंगे। मन का सत्संग भी तो आपसे पूछ के करेंगे। बोला नहीं, ये सत्संग बना लेगा अपना, बीमारी यही है। अब गुरु की आंखें सब कुछ पहले ही तौल लेती हैं, और बाद में देखा हमने, हालांकि बन नहीं पाया सत्संग उनसे ज़्यादा, लेकिन कोशिश जरूर करी। तो भगवान दिखाते थे स्वच्छंद अंतःकरण वाले। अब किसी को तो बच्चे भी शिफ्ट करते हैं, वो कहते हैं कोई नहीं तुमने जाना है तो जाओ, हम तो गुरु के पास ही रह जाएंगे, अच्छी बात है। तुम अगर कहीं जा रहे हो, फॉरेन भी जा रहे हो, कई ऐसे भी थे बच्चे, भाई सारे घर के बोला हम एक महीना फॉरेन जा रहे हैं, बोला हम एक महीना गुरु के यहाँ रहेंगे, हमको वहाँ छोड़ दो, तुम जाओ। और कई बोला खुद ही प्रोग्राम बनाते घर में, चलो चलो घूम आएं, ऐसे कर आएं, बोला स्वच्छंद। तो डिफरेंस तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ पर मेरे को कौन चला रहा है। मन चला रहा है, अहंकार चला रहा है, बुद्धि चला रही है, मुझे चला कौन रहा है? मुझे उनकी बंदगी पसंद आएगी तो उनकी गुलामी में रहना ही पसंद आएगा, उनके संग रहना ही पसंद आएगा, दूर जाना पसंद नहीं आएगा। और अहंकार पसंद होगा तो मन कहेगा मैं ऐसी जगह बैठूं जहाँ कोई मेरे सिर पे ना हो, मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ, चोरी करेगा, छिपाना चाहेगा, कुछ बताना नहीं चाहेगा, सोचेगा उसमें मैं अपना काम निकाल लूँगा। तो ये सब हुआ स्वच्छंद अंतःकरण। चाहे ज्ञान के आवरण जितने मर्जी डाल दो ऊपर, पर सब झूठ है। ज्ञान के आवरण डालने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, बंद ज्ञानी जरूर हो जाता है, कि अंदर तो उसके मन का अहंकार का बंधन ही रहता है, बंधा हुआ ज्ञानी है वो। ज्ञानी है, मुख ज्ञानी हो गया, अंदर अपने स्वभावों से बंधा हुआ है, मन से बंधा हुआ है, झुकने का, मुड़ने का, नम्रता का, आज्ञा में रहने का स्वभाव नहीं है, हो गया बंध ज्ञानी। अंदर बंधन पड़ा ही है उसको, बाहर से बस ज्ञान की बातें करता है। अंदर मन उसका सारी माया में फंसा हुआ है, बाहर से वो बस मुक्ति की बातें करता है। और ये मार्ग ऐसा है, गल्लां गल्लां नाल गल नहीं बननी, वे बंदे जद तक तौण नहीं झुकनी, गर्दन तौण माना गर्दन, कि जब तक सिर नहीं देगा गुरु को तब तक बातों से तो बात बननी नहीं। चार दिन कोई तुमसे प्रभावित तो जाएगा पर प्रकाशित कोई नहीं हो पाएगा। तुम्हारा प्रभाव सुन के कोई नजदीक आ जाएगा, तुम्हारा स्वभाव देख के भागेगा दूर, समझ ही जाएगा आखिर कब तक धोखे में चल सकता है कोई, कितना चलेगा। बेहतर है तुम अपने को भी धोखा मत दो, और किसी को सुना सुना के भी धोखा मत दो कि देखो मैं तो मुड़ गया, मैंने तो मोड़ लिया, मैंने तो टाइम बदल लिया, मैंने तो ये कर लिया। झूठी बातें मत करो, असल में तो रिजिडिटी है। आप फ्लेक्सिबिलिटी इसको मानोगे, मैंने अपना समय बदल लिया मैं फ्लेक्सिबल हूं, आपने अपना मन नहीं बदला जब तक आप फ्लेक्सिबल नहीं हो। जो मन बदलता है वो फ्लेक्सिबल है, जो जूते बदलता है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, जो पांव का कांटा निकालता है
वो फ्लेक्सिबल है। जो अहंकार निकालता है वो फ्लेक्सिबल है, और उसी फ्लेक्सिबिलिटी में फायदा होगा, वरना तो अड़ा अड़े सो झड़े, शरण पड़े सो तरे। अब ऐसे बाहर से थोड़ी कोई अड़ता है गुरु से, जिसका मन गुरु से अड़ा पड़ा है कि गुरु के आगे भी नहीं मुड़ पा रहा है, गुरु भाइयों के आगे भी नहीं मुड़ पा रहा है, अड़ा अड़े सो झड़े, वो एक दिन झड़ेगा ही, दूर ही होएगा, पर शरण पड़े सो तरे। बदनसीबी है ये तो सेवक की, चरणों से दूर अगर कहीं जाए। बदनसीबी हो गई ना कि उसके स्वभाव, उसके अहंकार ने उसको दूर ले जा पटका कहीं, भगवान के होते हुए भी भगवान से दूर हो गया, बदनसीबी हो गई। खुशनसीबी किस में है कि मैं दास हूं तेरा जी, मुझे दास ही रहना है, तुम अपने गुलामों में मेरा नाम लिखा देना। अब गुलाम तो फिर सबका गुलाम है, घर में एक नौकर रखते हो तो वो सबका ही कहना मानता है ना, छोटे बच्चे का भी मानता है। अगर तुम कहते हो भगवान मैं तेरा गुलाम, फिर सारी संगत का ही गुलाम है, सब कोई रिसीव करे, सब कोई समझे, सबके आगे झुक पाए, तब बात बनेगी। आई बात समझ में?